बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फोर क्लास मैथ वर्जन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। एसबीए का फर्स्ट टाइम का गेस्ट पेपर आपके सामने मौजूद है। 49,568 में लिखना है आपने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 3275 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, वहाँ से आ जाएगा 49170। एनएम के पास 1610 स्टिकर्स है, वो इन 10 तलबा में बराबर तकसीम करना चाहती है। हर तलब इल्म को स्टिकर मिलेंगे 161। यहाँ पे अपने नमूने की कीमत बतानी है, अगली रकम तो यहाँ पे आ जाएगा 24। यहाँ पे 15 के आज बताने हैं अपने, तो 135 और 15 आ जाएंगे। 49 की मुफरत दर्जी आपने निकालना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे अपने 8/5 एंड 3/5 का सूर निकालना है, तो ये मेरे पास वाजिब आ जाएगी, यानी कि नेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपने दोनों को प्लस करा, यहाँ पे 4/5 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/24 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9/31 आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, हल करें। 1598 को डिवाइड करना है अपने 17 के ऊपर। सेकंड पार्ट है, अगर एक दुकानदार एक हफ्ते में 1367 किताबें फरोख्त करता है, तो वो 115 हफ्तों में कितनी किताबें फरोख्त करेगा। सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट है, 12 और 15 का पहला मुश्तरक ज़ाइफ मालूम करें, 18 और 28 का मुश्तरक आद मुफरत मालूम करें। सवाल नंबर 13 का पहला पार्ट है, अपने हल करना है 5 सही 5/7 मल्टीप्लाई 1 सही 13/15। और बी पार्ट है, अगर किरण 5 सही 1/3 किलोग्राम चीनी 4 लोगों में तकसीम करते हैं, तो हर एक को कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी। नेक्स्ट वर्जन नंबर 2 है, 4568 को 100 में लिखे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 49170 आ जाएगा। अगर 20 कतारों में बराबर तादाद में 1000 कुर्सियाँ रखी जाए, तो एक कतार में कुर्सियाँ होगी 50 होगी। नेक्स्ट आपने अगली रकम निकालना है, तो यहाँ पे 58 आ जाएगा। 25 के आधे निकालने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मुफरत तर्जी निकालनी है 6 और 12 की, तो यहाँ पे 6 और 2 आ जाएगा। हम मुखरज आपने निकालने हैं, तो हम मुखरज मेरे पास आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी। आपने प्लस करना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाएगा, डिवाइड करें तो 1/3 आ जाएगा। सवाल नंबर 11 है जी, हल करें। आपने दो रकमों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी में 32,475 किताबें हैं, लाइब्रेरियन ने 3400 किताबें नहीं खरीदी है। लाइब्रेरी में किताबों की कुल तादाद कितनी हो जाएगी? सवाल नंबर 12 के अंदर आपने मुश्तरक ज़ैफ निकालना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपने मुफरत आद निकालना है, 13 के अंदर आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और नेक्स्ट आपने तकसीम करनी है चीनी, और हर एक को कितने किलोग्राम चीनी मिलेगी वो आपने बतानी है। इंग्लिश मीडियम के अंदर वर्जन नंबर 1 है, 49,568 इज नोमेरिकल, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, एनएम हैज 1,610 स्टिकर्स, हाउ शी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली अमंग 10 स्टूडेंट, ही स्टूडेंट विल गिव स्टिकर्स 161 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 24। यहाँ पे फैक्टर आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे एडिशन करने के बाद यहाँ पे बताना अपने फ्रैक्शन कौन सी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे एडिशन करने के बाद 4/5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 5/24 आ जाएगा, और डिवाइड करने के बाद 9/31 आ जाएगा। मी पार्ट है, फॉर शॉपकीपर सेल 1367 बुक्स इन अ वीक, देन हाउ मैनी बुक्स विल बी सेल इन 115 वीक। सवाल नंबर 12 के अंदर आपने फर्स्ट मल्टीपल निकालने हैं, बी के अंदर आपने कॉमन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सवाल नंबर 13 के अंदर पहले फैक्टर क्वेश्चन के अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और बी के अंदर आपने ये करना है, किरण डिस्ट्रीब्यूट करनी चाह रही है 5 सही 1/3 किलोग्राम शुगर 4 लोगों के अंदर, हर एक को कितनी कितनी शुगर मिलेगी ये आप लोगों ने बताना है। सेकेंड पार्ट है इंग्लिश मीडियम के अंदर फोर क्लास मैथ का, पहले का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सेकेंड में आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ पे अपने आंसर निकाल दिया, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 58, यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे प्राइम फैक्टर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे लाइक फैक्शन कौन सी होगी ऑप्शन नंबर सी। एडिशन करेंगे तो 4/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है अपने। नेक्स्ट आपके पास है जी, एक लाइब्रेरियन के पास 32,475 बुक्स है, लाइब्रेरियन उसके अंदर 3,400 न्यू बुक्स ऐड करता है, आपने टोटल बुक्स बता देनी है। नेक्स्ट आपने फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, उसके बाद कॉमन प्राइम निकालना है। सवाल नंबर 13 के अंदर आपने मल्टीप्लाई करवाना है, और बी के अंदर आपने किरण के पास 5 सही 1/3 किलोग्राम शुगर है, उन्होंने 4 लोगों के अंदर तकसीम करनी है, आपने बताने के हर एक को कितनी कितनी शुगर मिलेगी। ये था मेरे पास फोर क्लास मैथ का वर्जन नंबर 1 एंड वर्जन नंबर 2। वर्जन नंबर 3 और वर्जन नंबर 4 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।